दोस्तों, जापान की जानी मानी कार निर्माता कंपनी निसान मोटर्स बहुत जल्द अपनी एक काई कार प्लेटफॉर्म पर डिजाइंड एक इलेक्ट्रिक कार आईएम की इलेक्ट्रिक कार को कर सकती है लॉन्च। निसान आईएम के दोस्तों एक छोटी सी साइज की इलेक्ट्रिक गाड़ी है जिसमें 5 लोगों की बैठने की जगह देखने को मिलती है और ये गाड़ी जापान के ट्रेडिशनल वी मोटर सिग्नेचर शील्ड पे डिजाइन पे बनाई गई है। यह गाड़ी इतनी छोटी है कि इसको शहर में चलाना बहुत आसान है। साथ ही साथ इस गाड़ी में कॉम्पैक्टनेस लाने के लिए AI का भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको निसान आईएम की इलेक्ट्रिक कार के बारे में सारी डिटेल, इसकी क्या होगी कीमत, कब हो रही है लॉन्च, सारी बातों को जानेंगे आज की वीडियो में। दोस्तों, अगर आप चैनल ईवी वर्ल्ड पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और बेल आइकन दबा दीजिएगा। निसान आईएम के डिजाइन में से काई कार प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है जिसकी लंबाई है 3434 mm। इस गाड़ी में दोस्तों आप डिजाइन देखेंगे तो काफी हद तक इसको छोटी डिजाइन रखी गई है, हैचबैक डिजाइन हम इसे कह सकते हैं, जिसके अंदर 5 लोगों की बैठने की जगह देखने को मिलती है। गाड़ी के अंदर दोस्तों जो यहाँ पर मैं सबसे हाईटेक फीचर की बात करूंगा तो निसान आईएम के में आपको प्रो पायलट असिस्टेंट एक फीचर देखने को मिलेगा जिसको 2.0 डिजाइन भी कहा जाता है। आप इस गाड़ी को सिंगल लेन में हाथ छोड़कर चला सकते हैं, जैसे कि टेस्ला वगैरह होती है कुछ हद तक आपको ऑटो ड्राइविंग ऑटो पायलट का सिस्टम देती है, उसी प्रकार से निसान आईएम के में भी दिया जाएगा। टॉप स्पीड गाड़ी की 100 kmph प्रति घंटे की होगी और इस गाड़ी को पावर किया गया लिथियम आयन बैटरी के साथ। अब इस बैटरी को आप चाहेंगे तो अपने फास्ट चार्जिंग के जरिए भी चार्ज कर सकते हैं और होम चार्जिंग के जरिए भी चार्ज कर सकेंगे। फास्ट चार्जिंग में गाड़ी 1 घंटे से भी कम समय में फुल चार्ज हो जाएगी, घर से लगभग 7 से 8 घंटे लगेंगे। रेंज की बात करो तो करीबन 250 से लेकर 300 किलोमीटर गाड़ी का रेंज होगा। इंटीरियर की बात करूं तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपको इसका इंटीरियर लगने वाला है। इस गाड़ी के अंदर आपको 8 इंच का होलोग्राफिक पैनल देखने को मिलता है, जैसे कि अगर आप इंटीरियर देखें तो एकदम प्लेन होगा, लेकिन एक इसमें होलोग्राफिक पैनल देखने को मिलता है जो कि फ्यूचर का हमें एहसास दिलाता है और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी उसमें फिट किया गया है। हालांकि आप इस कार को चाहें तो अपने स्मार्टफोन के जरिए भी कनेक्ट कर सकेंगे जो कि एक अच्छी बात है। बाकी गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग फोर्स भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आप अपनी गाड़ी में जब ब्रेक्स लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली बैटरी को भी चार्ज करने में कैपेबल होगा निसान आईएम के। अब बात करते हैं दोस्तों इस गाड़ी की सेफ्टी फीचर की। सेफ्टी की बात करूं दोस्तों, इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स देखने को मिलेंगे, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं कीमत की तो निसान आईएम की जो कीमत होगी वो 4 से 6 लाख रुपए के बीच में हो सकती है। यह गाड़ी सबसे पहले जापानी मार्केट में हो रही है लॉन्च। आने वाले समय में भारत में इलेक्ट्रिक कार का डिमांड बढ़ रहा है तो हम इस गाड़ी को 2024 तक भारत में एक्सेप्ट कर रहे हैं निसान आईएम की इलेक्ट्रिक कार। आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी ऐसे फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारा चैनल ईवी वर्ल्ड को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।